नमस्कार दोस्तों, तो ये आपकी भारत बंद स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, क्योंकि ये हर 2 साल में निकलती है। तो 2017 में निकली थी, 2019 में निकली थी, और याद रखिए ये दिसंबर 2019 दिसंबर में आ चुकी थी, लेकिन उस समय हम लोग बात नहीं कर पाए इस पर, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हो या फिर वन डे एग्जाम में हो, आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंटरव्यू में भी इससे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपने देखा है कि स्टेट पीसीएस फिर चाहे सिविल सर्विस हो, दोनों के प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आपसे बोलता हूं कि 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर सभी लगा लीजिए। आप फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो भी पुराने 5 से 7 साल के पेपर हैं उन्हें लगा लिया करिएगा, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आखिर क्या रिकॉर्ड रहा है क्वेश्चंस का और क्या आने की संभावना है। और वैसे तो आप अपनी जिंदगी में भी इसे फॉलो कर सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका 5-7 साल का रिकॉर्ड देख लिया करिएगा, उसके बारे में सब कुछ जान लिया करिएगा कि आखिर वो है क्या। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग बात कर इसके मुख्य बिंदु देखेंगे, इसमें क्या क्या है। और चैंपियन एवं सेट सेट वर्गीकरण, सेट वर्गीकरण देखेंगे। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 से इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उसे भी देखेंगे। वनों की स्थिति से संबंधित जो राज्यवार आंकड़े हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इससे आपके राज्य के क्वेश्चन सॉल्व होने की स्थिति में रहेंगे। स्टेट पीसीएस रिपोर्ट से संबंधित आपके अन्य भी तथ्य हैं इसमें सम्मिलित, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, एक संगठन है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बच सकता है उससे कि एक कितने साल में जारी की जाती है। तो प्रत्येक मतलब द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, 2 साल में एक बार इसे जारी किया जाता है। ये आपकी 1987 से जारी की जा रही है। कब से? 1987 से। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा विकसित की जाती है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और पूछ लेगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण किसके अधीन है, तो ये आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और याद रखना है 2019 में जो जारी की गई है 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी? 16वीं नंबर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। पूछ सकता है आपसे कि किस उपग्रह का इसमें उपयोग किया गया है, तो याद रखना रिसोर्स रिसोर्स सेट 2। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 यानी कि 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य भागों में विभाजित करके उनका चैंपियन और सेट वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया है। तो याद रखिए हर तथ्य को बड़े अच्छे गौर से सुनिए और बड़े अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका वन डे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं इससे, और स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके। लास्ट का आप लोग 2019 का पेपर उठा के देखिए, उसमें भी आपके क्वेश्चंस बना है। ठीक है, पर चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपीपीएससी या फिर बिहार पीसीएस, सभी में क्वेश्चंस बनते रहे। चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण, बस तो 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय और मान्य वर्गीकरण किया था। वर्ष 1968 में चैंपियन एवं एसके सेठ सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः विकसित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य भागों में विभाजित कर उन्हें 221 उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है। वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों और बांस पर आश्रितता के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन भी किया गया है। इसमें भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपरी स्तर जैव भार के आकलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय नीति की स्तर की परियोजना प्रारंभ की है। और असम राज्य में पल्सर मोजेक और भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का
आकलन भी किया जा चुका है। अगर हम लोग इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है, यह आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, ये आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। कितना? 24.56%, याद रखिए 24.56%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, तो ये आपका 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो गया है, 21.67%, 21.67%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण की क्षेत्र की बात करें तो ये 95,027 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये आपका 2.89%। कितना? 2.89%। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की अगर बात करें कि वृद्धि कितनी हुई है, 3,976 वर्ग किलोमीटर मीटर, यानी कि 0.56%। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, तो 1,212 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1.29%। वनावरण और वृक्षारोपण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितनी हुई है, 5,188 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.65%। अगर हम लोग राज्यों के बारे में आंकड़ों की बात करें तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों की बात करें तो मिजोरम आपका 85.61% भूभाग पर यहाँ वन है, सबसे ज्यादा प्रतिशत के मामले में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देख लेंगे 79.63%, मेघालय में आपका लोग 76.33%, मणिपुर 75.46%, नागालैंड 75.31%, ये सभी आपके पूर्वी भारत के राज्य हैं। देखिए यह है हमारी प्यारी पृथ्वी, इस पर हमारा प्यारा भारत एशिया में है, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि मिजोरम में है 85.41%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये है आपका, देखिए मिजोरम दिख रहा है आपको, मिजोरम ये है आपका मिजोरम, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश ऊपर, ठीक है। ये पूर्वी भारत के राज्य सभी, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी इसी तरफ हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश है, प्रतिशत में पहले नंबर पर आपका याद रखें ना मिजोरम है, और अगर क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो मध्य प्रदेश है 77,482 वर्ग किलोमीटर में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 66,688 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर 55,611 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 51,619 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 50,778 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए ये आपका मध्य प्रदेश, देखिए ये आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है आपका यही, और उसके बाद महाराष्ट्र, ये है आपका, ठीक है। ये टॉप 3 राज्य क्षेत्रफल के मामले में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद सॉरी महाराष्ट्र नहीं, छत्तीसगढ़, ये है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। तो इन 3 टॉप को तो कम से कम याद ही रखना है, उसके बाद उड़ीसा देखेंगे, महाराष्ट्र, उड़ीसा आपका ये है, देखिए महाराष्ट्र ये है आपका, ठीक है। तो टॉप 3 तो आपको याद ही रखना है कम से कम। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले अगर सबसे ज्यादा जहां वृद्धि हुई है उन राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में 1,025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर, केरल में आपका 823 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में आपका 334 वर्ग किलोमीटर। तो कर्नाटक आपका ये है, देखिए कर्नाटक ये है आपका प्यारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आपका ये है, ठीक है। केरल की अगर केरल को भी देखना है आपको तो केरल ये है, हिमाचल प्रदेश को अभी आपको देखना है तो हिमाचल प्रदेश आपका ये है, ठीक है। इन्हें ऐसा करिए कि इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए, अच्छे से सभी राज्यों को क्रमवाई क्रम करके। रिपोर्ट से संबंधित अन्य अगर तथ्यों की बात करें हम लोग तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो, उसे सरकारी रिकॉर्डेड में वन के रूप में दर्ज किया जाता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में आदिभूमियों को भी आर एफ ए
यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के रूप में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 330 वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी आई है, यानी कि कमी देखी गई है। भारत में 62,466 भूमिया देश के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्षेत्र के लगभग 3.83 क्षेत्र को कवर करती हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल आर्द्रभूमि क्षेत्र RFA के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात, याद रखना है। और दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। भारत के वनों में बढ़ता हुआ कार्बन स्टॉक। वर्तमान आकलनों के अनुसार भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में इसमें लगभग आपकी 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारतीय वनों की कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि आपकी 21.3 मिलियन टन है, जो लगभग आपका 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। भारत के वनों में मृदा जैविक कार्बन कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं, जो कि अनुमानतः 4,004 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित है। SOC भारत के वनों की कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% का योगदान देता है, यानी कि मृदा जैविक कार्बन। बांस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बांस की भूमि लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, और 2017 की तुलना में कुल बांस की भूमि में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, यानी कि वृद्धि हुई है 2019 में। मैंगो वनों की अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो मैंगो वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1.10 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, यानी कि इस क्षेत्र में भी आपकी बढ़ोतरी ही देखी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति की बात करें अगर हम लोग, तो भारत के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। कितना? 40.30%। वर्तमान आकलन में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में भारत के 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति की बात करें तो भारत के जनजातीय जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र आपका 422,351 वर्ग किलोमीटर है, जो इन जिलों के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है। वर्तमान आकलन के अनुसार इन जिलों में आपका RFA के अंतर्गत आने वाली कुल वनावरण क्षेत्र में 741 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, और RFA के बाहर के वनावरण क्षेत्र में 1,922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, 1,922 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की स्थिति की बात करें अगर हम लोग, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका 65.05% है। वर्तमान आकलन के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रितता की बात करें तो भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक आश्रित राज्य है, जबकि चारा और इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, यह देखा गया है कि भारत के वनों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटी इमारती लकड़ी का दोहन भारत के वनों में वार्षिक रूप से होने वाली वृद्धि के 7% के बराबर है। भारत के कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगभग लगने वाली आग से प्रभावित है। किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव विविधता से आंकी जाती है। भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में वनों को बेतहाशा उजाड़ा गया, यानी कि इनकी सफाई की गई हो, लेकिन हमारे वन संपदा दुनिया भर में अनूठी और विशिष्ट है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष है, इसलिए वृक्षों पर ही हमारा जीवन आश्रित है। यदि वृक्ष नहीं रहते तो किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ करते हैं,
फिर उसे आपका ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो एक समझिए आप लोग कि चक्र चल रहा है, क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है कि एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक फेफड़े का आपका एक हिस्सा आपके अंदर है, दूसरा आपके पेट है, जैसे आपका वो चक्र पूरा होता रहता है। तो इन आंकड़ों को सभी को याद रखना अच्छे से, इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है।